हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज एफ स्टडीज एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्री चैप्टर, जो कि है आपका क्लास 8 की ज्योग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, और इससे जो पहले की क्लास थी हमने उसमें देख लिया था आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, आपके जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। ठीक है, और उनको तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, जो आपके फर्स्ट है आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड है आपका सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड है आपका टर्शरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर था आपका जो मेनली डील करता था आपका नेचुरल रिसोर्सेज से, उनकी जो प्रोडक्शन होगी या फिर एक्सट्रैक्शन होगी, प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से वो डील करता था आपका प्राइमरी सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर आपका जो आपका प्राइमरी सेक्टर का जो आपको प्रोडक्ट निकलता था उसको प्रोडक्ट उसको प्रोसेस करता था या फिर उसकी प्रोडक्शन करता था उसको कहा जाता था आपका सेकेंडरी सेक्टर। वहीं पर आपका जो टर्शरी सेक्टर होता है वो आपका मेनली डील करता है आपका टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करने का काम, ये मेन जो आपका टर्शरी सेक्टर है वो काम करता है। ठीक है, और ऐसा आपके जो टर्शरी सेक्टर में कोई गुड्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं होती हैं। ठीक है, सो एक इंडस्ट्री की डेफिनेशन देख लेते हैं। सो जो आपके इंडस्ट्री है आपका वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो आपकी कंसर्न करती है आपके विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, उनको कहा जाता है आपका इंडस्ट्री। ठीक है, और इसमें आपकी कई इंडस्ट्रीज होती है, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हो गए, या फिर कोल इंडस्ट्री हो गया, या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री हो गया। सो हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी आपके काफी भाग्स में क्लासिफाइड की गई हैं या फिर इनको बांटा गया है। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो आपके क्लासिफिकेशन हुई है या आपके अगर हम क्लासिफिकेशन देखें ऑन बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल की, मतलब इन इंडस्ट्रीज में आपका कौन सा जो रॉ मटेरियल है वो यूज हो रहा है ऑन बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ साइज, ऑन बेसिस ऑफ आपके कि कौन इसको ओन कर रहा है। ठीक है, सो अगर हम देखें कि रॉ मटेरियल की, मतलब कि इस इन इंडस्ट्रीज में आपका जो रॉ मटेरियल है वो कौन सा है, फॉर एग्जांपल आपके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो आपका रॉ मटेरियल रहेगा वो आपका एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड होगा। फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होगी, जैसे आपके ब्रेड से, मतलब आपके आटा से ब्रेड बनाने का काम, ये सब आपके फूड इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं। चिप्स बनाने की जो इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे लेज वगैरह हो गई, ये सब आपके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गई। फिर आपके वेजिटेबल ऑयल हो गया या फिर लेदर इंडस्ट्रीज हो गई, ये सब आपके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। एंड नेक्स्ट है आपके मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो आपकी वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो आप जिसका जो रॉ मटेरियल रहता है वो रहता है आपका मिनरल्स। फॉर एग्जाम्पल हैवी मशीनरीज हो गई, रेलवे कोचेज हो गए, बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए, इन सब इंडस्ट्रीज में आपका जो रॉ मटेरियल रहता है वो रहता है आपका मिनरल्स। ठीक है, और इनका प्रोडक्ट है ये एज अ रॉ मटेरियल है वो दूसरी इंडस्ट्रीज में आपका यूज किया जाता है। ठीक है, इन जो मिनरल इंडस्ट्रीज का होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज से आपका जो स्टील निकल कर बनता है वो आपका दूसरी जगह पर आपके, फॉर एग्जाम्पल हैवी मशीनरी बनाने में काम किया जाता है, उसको यूज किया जाता है, और रेलवे कोचेज बनाने में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, सो ये है आपके कुछ एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। थर्ड है आपका जो मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है कि इसका जो रॉ मटेरियल रहेगा वो रहेगा आपका मैरीन लाइफ से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल आपके सी फूड इंडस्ट्रीज हो गई, फिश ऑयल इंडस्ट्रीज हो गई। सी फूड इंडस्ट्रीज मतलब कि कई आपने देखा होगा कि कई लोग बोट्स में जाते हैं, फिर फिशेस पकड़ते हैं, या फिर क्रैब्स हो गए, लॉबस्टर्स हो गए, इन सबको पकड़ के इनको मार्केट में सेल करते हैं। सो ये आपकी मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, और दूसरी है आपकी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब कि इसका जो प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा आपका फॉरेस्ट से रिलेटेड, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इनका रॉ मटेरियल रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल पल्प पेपर इंडस्ट्रीज होगी, फर्नीचर इंडस्ट्रीज होगी, बिल्डिंग इंडस्ट्रीज होगी, ये सब इन सब इंडस्ट्रीज में आपका ये आपके फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के पार्ट रहते हैं। ठीक है, और अगर दूसरी क्लासिफिकेशन देखें तो वो क्लासिफिकेशन है ऑन बेसिस ऑफ साइज की, मतलब कि अब इसमें जो आपका साइज भी हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि मतलब इसमें आपका कितना जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट हुआ है, कितने लोग इसमें वर्क कर रहे हैं, पीपल एम्प्लॉयड, और थर्ड जो रहता है वो काफी इंपॉर्टेंट है जो कि है आपका कितना जो इसमें प्रोडक्शन होती है। ठीक है, सो मान लो अगर आपका जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो भी काफी
कम है, कुछ ही लोग इसमें इन्वॉल्व हैं आपके इसको इसकी प्रोडक्शन में, प्लस प्रोडक्शन है वो काफ़ी स्मॉल साइज में हो रही है, तो उसको कहा जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। वहीं पर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है आपकी काफ़ी हाई स्केल पे हो रही है, प्लस आपके जो लोग एम्प्लॉयड है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, प्लस प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी हाई होती है, तो उसको कहा जाता है आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। एंड इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, इसमें जो आपको कैपिटल रिक्वायर्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको काफ़ी जो मशीनरी होती है उसको बिल्ड करने के लिए काफ़ी आपको कैपिटल चाहिए होता है, प्लस इसमें जो लोग होते हैं वर्क करने के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, प्लस इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। बट वहीं पर आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होगी जो कि आपके मेनली आपके हाउस होल्ड लेवल पर हो गए, जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें, अगर हम बात करें वीवर्स की बात कर ले या फिर बास्केट वीवर्स की, जैसे कि बास्केट वीवर्स क्या करते हैं, ये जंगल में जाते हैं बैम्बू कट करके लाते हैं, ठीक है, और बैम्बू से अपनी जो टोकरी वगैरह होगी या फिर बास्केट्स हो गए इनको बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसमें देखो आप, इसमें कुछ ज़्यादा आपका जो कैपिटल है वो भी रिक्वायर्ड नहीं होता है, प्लस एक या दो लोग जो आपके फैमिली के लोग होते हैं यही इसमें वर्क कर रहे होते हैं, और प्रोडक्शन जो आपके जो आउटपुट रहता है वो भी काफ़ी स्मॉल रहता है, मेनली जो इनकी डिमांड रहती है वहीं पर थोड़े से छोटे से गाँव में वहीं पर इनकी जो डिमांड रहती है वो रहती है, और इसी के बेस पे इनका जो प्रोडक्शन रहता है वो काफ़ी लो भी रहता है, ठीक है। सो इनको जो आपके कहा जाता है कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। जैसे कि हमने पहले देख लिया था कि आपके ये जो साइज है वो आपके इसके ऊपर डिपेंड कराया गया है, इसको अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, इसमें हमने ये सब पहले पिछली जो स्लाइड थी हमने उसमें डिस्कस कर लिया था, और कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का एक पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके जो प्रोडक्ट्स है वो आपके बीव किया जा मतलब मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय हैंड्स, बाय आर्टिजन्स। फॉर एग्जाम्पल बास्केट हो गया, पॉटरी हो गया, ये सब आपके कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। सो दोस्तों अगर हम ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप की देखें तो हमारे जो ओनरशिप के बेस पे भी हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं उनको चार भागों में डिवाइड किया गया। फॉर एग्जांपल प्राइवेट सेक्टर, इसमें जो आपको प्राइवेट इंडिविजुअल हैं ये इसको ओन भी करते हैं और ऑपरेट भी करते हैं, ठीक है। वहीं पर आपके जो पब्लिक सेक्टर हो गया, पब्लिक सेक्टर में आपके जो ओन एंड ऑपरेट कर जाता है वो किया जाता है मेनली उनके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। एंड इसमें प्राइवेट का एक एग्जांपल लेंगे तो आपके कई हो गए, जैसे कि आपका रिलायंस हो गया, जियो हो गया, ये सब आपके इनके एग्जांपल है आपके प्राइवेट ओनरशिप के। और पब्लिक ओनरशिप की बात करें तो फॉर एग्जांपल एसजीवीएन हो गया, हेल वगैरह हो गए, ये सब आपके मतलब इसके एग्जाम्पल है आपके पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल है। फिर वहीं पर आपके ज्वाइंट सेक्टर हो गया, ज्वाइंट सेक्टर में जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है ज्वाइंट मतलब कि इकट्ठा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका ओन और ऑपरेट किया जाता है वो किया जाता है बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव सेक्टर, जो कि हम अगले सेक्टर मतलब जो आपकी अगली स्लाइड आएगी उसमें दिखा देंगे। तो जैसे कि मैंने बोल दिया था कि ओन एंड ऑपरेट किया जाता है बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, वहीं पर पब्लिक सेक्टर थी वो ओन एंड ऑपरेट किया गया था बाय द गवर्नमेंट, एंड जॉइंट सेक्टर आपके ओन एंड ऑपरेट करते हैं बाय गवर्नमेंट एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल, ठीक है। सो इसमें हम देख लेते हैं, अब लास्ट है जो है आपका कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर की मतलब कि ये आपका ओन किया जाता है और ऑपरेट किया जाता है बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, या फिर वर्कर्स या फिर इन दोनों की कॉम्बिनेशन से, ठीक है। अब इसका जो मेन मैं बता देता हूँ आपको कि ये आपके इसकी नीड क्यों पड़ी, ठीक है। अब क्या होता था, फार्मर्स क्या करते थे, फार्मर्स आपके गाय से दूध वगैरह निकाल के मतलब क्या करते थे, जो ट्रेडर्स हो गए, ट्रेडर्स का मेन पर्पज क्या होता है कि ट्रेडर्स क्या करते हैं, आपसे सामान लेंगे और उनको हाई प्राइसेस पे आपको मतलब सेल आउट कर देंगे, और जिससे वो उनका मेन जो इनकम रहती है वो रहती है, ठीक है। अब ये क्या करते थे, फार्मर से ये इनके पास से वो ले लेते थे, मिल्क वगैरह ले लेते थे, और ट्रेडर्स के पास जनरली क्या होता था, इनके पास स्टोरेज, अच्छे स्टोरेज होता था, कोल्ड स्टोरेज, जिसकी वजह से जो आपका दूध वगैरह है वो खराब ना हो, ठीक है। मैं अमूल का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ,
ठीक है, और ये इनको सिटीज में क्या करते थे, हाई प्राइसेस पे सेल कर देते थे, और फार्मर्स को मतलब काफी लो पर मतलब उससे लेते थे, काफी लो प्राइस पे लेते थे। ठीक है, अब कोऑपरेटिव में ऐसा किया जा सकता है कि आपको देखो, अगर ये सब लोग जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं या फिर सप्लायर्स कह सकते हो आप, ये अगर इकट्ठे हो जाएं और इनके पास अगर ज्यादा पैस मतलब ज्यादा इकट्ठे होंगे तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, तो जो इनको नीड होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर इनको कोल्ड स्टोरेज की नीड होगी या फिर किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बेटर करना हो, तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजीज नीड होती हैं उसको भी ये कर सकते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होने लगा कि ये अब डायरेक्टली सेल करने लगे इनको, जिनको जहां पर इनको नीड होती थी, मतलब सिटीज में जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको सिटीज में इनकी नीड होती थी, तो ये डायरेक्टली इनको सेल करने लगे। ठीक है, जिससे जो आपका ट्रेड, जो आपके ट्रेडर्स हो गए या फिर मिडिल मैन हो गए, इनका जो पर्पस था वो हट गया। ठीक है, सो ये था आपका मेन एम या फिर मेजर रीजन जिसकी वजह से जो आपका कोऑपरेटिव सेक्टर है वो आपका डेवलप हुआ। और इसके जो मेन एग्जाम्पल रहते हैं वो रहते हैं जैसे कि अमूल हो गया, एंड अमूल का नाम है पूरा आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, एंड सुधा डायरी एक और जो आपका कोऑपरेटिव सेक्टर का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसके बारे में हम जो फर्दर क्लासेस आएगी उसमें भी हम इसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे, इसके बारे में, कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में। सो दोस्तों, आप देख लेते हैं कि हमारी जो लोकेशन है, आपकी इंडस्ट्रीज की लोकेशन के पीछे क्या क्या जो फैक्टर्स है वो वर्क करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस लाइन को ठीक ढंग से समझना हो कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि यहाँ पर झारखंड हो गया या फिर उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पर काफी आपके जो स्टील प्रोड्यूसिंग आपके फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, सो अब ये इसके पीछे क्या फैक्टर रहे होंगे कि यहीं पर क्यों ये यहीं पर आपके जो इंडस्ट्रीज थी वो एस्टेब्लिश हुई, तो इसके पीछे काफी जो फैक्टर्स थे वो आपके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, अब कंपनीज में आपको जैसे आप फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे हो तो आपको स्टील प्रोड्यूस करना है, तो आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा, और रॉ मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल होना चाहिए ताकि इसमें आपको मतलब ज़्यादा कॉस्ट है वो मतलब वो ना करना पड़े, बियर ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये आपकी एक फैक्ट्री है, यहाँ पर एस्टेब्लिश है, बट यहाँ पर आप देखो यहाँ पर इनके पास कोई रॉ मटेरियल नहीं है। ठीक है, सो इनको दूर से इनको इंपोर्ट कराना पड़ेगा, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट में काफ़ी खर्चा आएगा। ठीक है, और काफ़ी टाइम भी लगेगा। अगर वहीं पर ये जो इंडस्ट्री है उस जगह पर आपके लोकेटेड हो जहाँ पर आपके रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होंगे, तो इसकी वजह से पहली बात तो इसका जो ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट होगा वो भी कम होगा, प्लस ये आपके यहाँ पर जल्दी से जल्दी अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से टाइम भी कंज्यूम इतना नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड है आपका लेबर, लेबर की मतलब आपका जो लेबर है वो स्किल है, वहाँ पर आपका जो लेबर है वो स्किल है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर आपने कंपनी सेटअप किया है, अगर वहाँ पर आपके जो कंपनीज में आपको वर्क करने के लिए भी लोग चाहिए होंगे, अगर आपके पास उनके पास जो रिक्वायर्ड स्किल ही नहीं है, तो मतलब कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, पहले या तो उनको पहले स्किल प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जिसके वजह से उनको काफ़ी खर्चा आ सकता है। ठीक है, या तो फिर क्या कर सकते हैं, वो दूसरी जगह से उन लोगों को ला सकते हैं, जिसमें काफ़ी खर्चा चला जाता है, जिसकी और कंपनीज का जो मेन पर्पज रहता है कि वो अपना जो खर्चा है वो कम करें। ठीक है, सो लेबर भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर रहता है आपका टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। थर्ड है आपका कैपिटल, फोर्थ है आपका मार्केट। मार्केट मतलब कि जैसे कि आप देख सकते हो कि इंडिया एक काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है, और यहाँ पर जो काफ़ी बड़ा मार्केट रहता है आपका, और इसी की वजह से मेन रीज़न ये भी रहता है कि यहाँ पर जो काफ़ी जो इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर सेटअप होती है, क्योंकि यहाँ पर आपके काफ़ी बड़ा मार्केट है, लोग फैक्ट्रीज को काफ़ी बड़ा मार्केट मिल जाता है। ठीक है, फिफ्थ है आपका वाटर, एंड सिक्स्थ है आपका पावर। पावर से मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपको फैक्ट्री सेटअप करनी है, वहाँ पर आपके हैवी मशीनरीज लगाओगे आप, तो उन मशीनरीज को चलाने के लिए पावर तो चाहिए होगी ना, अगर वहाँ पर आपके पावर ही अवेलेबल नहीं होगी तो उन मशीनरीज को आप चलाओगे कैसे, तो पावर भी एक काफ़ी बड़ा मतलब फैक्टर फैक्टर करता है। ठीक है, फिर लैंड हो गया, फिर ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट भी मतलब अगर आप अपने जो प्रोडक्ट है आपने बना तो दिया है, बट आप इसको मार्केट तक नहीं पहुंचा पा रहे हो, या फिर रॉ मटेरियल हो यहाँ इस फैक्ट्री तक नहीं पहुंचा पा रहे हो, तो इसका क्या फायदा। ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट भी एक काफ़ी बड़ा मतलब फैक्टर करता है आपका टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। फिर कम्युनिकेशन हो गया,
तो दोस्तों आप देख लेते हैं हम इंडस्ट्रियल सिस्टम। इससे पहले की जो क्लास थी हमने उसमें एग्रीकल्चर सिस्टम देखा था। अब वैसे तो हमने इंडस्ट्रियल सिस्टम है उसी क्लास में समझा दिया था, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ। सो इंडस्ट्रियल सिस्टम है आपका तीन भागों में डिवाइडेड होता है, ठीक है, जिसमें होता है आपका इनपुट, प्रोसेसेस और आउटपुट, ठीक है। अब इनपुट में आपके वो चीजें होती है, जैसे आप कोई फैक्ट्री सेटअप करते हो, मतलब मैं चलो आप कोई कंपनी बिल्ड करना चाहते हो, ठीक है, एस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो उसमें आपको क्या क्या जरूरत पड़ती है उसको कहा जाता है इनपुट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई कंपनी सेटअप करोगे, पहली बात तो आपको लैंड की जरूरत होगी जहां पर आपकी जो फैक्ट्री है वो एस्टेब्लिश होगी, ठीक है। फिर उसके लिए आपको रॉ मटेरियल होगा, फिर मशीनरीज हो गए, जो उस मशीनरीज में जो काम होगा उनके लिए आपको मशीन्स वगैरह चाहिए होगी, ठीक है, तो मशीनरीज हो गई, ठीक है। फोर्थ हो गया आपका लेबर हो गया, जो लोग वहां पर काम करेंगे, एंड ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी जो मशीनरीज होगी वो खुद ही वर्क कर रही हो, ठीक है, उनको चलाने के लिए, मशीन्स को चलाने के लिए आपको मैन की जरूरत तो पड़ेगी, सो लेबर हो गया, ठीक है। सो ये सब आपके कुछ एक जो इनपुट्स रहते हैं आपके फैक्ट्रीज में। फिर प्रोसेसेस की मतलब कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस रॉ मटेरियल को कौन कौन से प्रोसेस से गुजारा जाता है उसको कहा जाता है आपका प्रोसेसेस में, वो जो प्रोसेसेस होते हैं वो प्रोसेसेस पार्ट में आते हैं। फॉर एग्जांपल आपका रॉ मटेरियल है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, आपका जो रॉ मटेरियल रहता है वो रहता है आपका आयरन ओर, ठीक है, आयरन ओर, ये आपका इनपुट हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको स्मेल्टिंग के थ्रू या फिर इसको ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है, ठीक है। सो ये एक प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद जो आपका मेनली जो लास्ट में जो प्रोडक्ट निकलता है उसको कहा जाता है आउटपुट, ठीक है। सो ये है आपका इंडस्ट्रियल सिस्टम। और नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल रीजन। इंडस्ट्रियल रीजन आपके वो लोकेशन होती है जहां पर काफी इंडस्ट्रीज होती हैं, एंड इसका जो मेजर रीजन रहता है आपका, आपका इतना क्लोज रहने का इन इंडस्ट्रीज का वो रहता है आपका टू शेयर द बेनिफिट ऑफ देयर क्लोजनेसनेस। और फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाऊं आपको, तो अगर आप देखोगे कि ये आपका इंडिया होगा और यहाँ पर फॉर एग्जांपल बाहर से क्रूड ऑयल लाया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है इतनी क्वांटिटी में नहीं है तो हम इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। सो पोर्ट्स पे या देखोगे जहां पर आपके रिफाइनरीज होगी, रिफाइनरीज क्यों जरूरत होती है, क्योंकि क्रूड ऑयल होता है ये काफी चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है, तो इसको रिफाइन किया जाता है ताकि आपके जो प्रोडक्ट निकलते हैं, इसके जो प्रोडक्ट निकलते हैं ये काफी जगह पर यूज किए जाते हैं क्रूड ऑयल के। फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल से प्रोडक्ट्स निकलते हैं जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये देख सकते हो आप, इसको व्हीकल्स में यूज किया जाता है, इनको पेट्रोल हो गया या फिर डीजल हो गया, फिर इससे आपके केमिकल्स बनते हैं, ठीक है, फिर फर्टिलाइजर्स हो गए, फिर फाइबर हो गया, ये सब इनके मतलब प्रोडक्ट रहते हैं। और अगर आप देखोगे जो जो यहाँ पे जिन्होंने आपको देखोगे, अगर आपको केमिकल्स वगैरह बनाने हो या फिर फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने हो या फिर आप कह सकते हो कि फाइबर वगैरह बनाने हो, तो इसकी वजह से आर्टिफिशियल फाइबर हो गया, तो यहाँ पर ये नज़दीक होगी, इन्हीं के नज़दीक होगी, तो इनका जो रॉ मटेरियल होगा, इन जो कंपनीज को नीड होगा, इन कंपनीज को जो नीड होगा वो आपको इजीली अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से मतलब ये काफ़ी मतलब बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल हो गया। और इंडिया में भी काफ़ी जो आपके इंडस्ट्रियल रीजन्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल मुंबई में हो गया इंडस्ट्रियल रीजन, फिर कोलकाता में हो गया, फिर गुजरात में हो गया, एंड हम वर्ल्ड के भी देखेंगे जब हम नेक्स्ट की जो क्लासेस आएगी उसमें देखेंगे हम वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल रीजंस, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमारे जो आपका एनसीईआरटी की जो एक सेक्शन दिया गया है जिसमें आपका इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स के बारे में बात की गई है, जिसमें आपके दो जो डिजास्टर हैं वो बताए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल भोपाल गैस ट्रेजेडी जो कि हुआ था आपका 1984 में, जिसमें आपके काफ़ी हाईली पॉइजनस गैसेस थी वो रिलीज हो गई थी, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल आइसोसाइनाइड या फिर हाइड्रोजन साइनाइड, जिसमें आपके काफ़ी जो लोगों को काफ़ी हानि हुई थी। प्लस सेकंड जो है आपका वो हुआ था अराउंड 2005 जो कि हुआ था चाइना में, इन चोंगिंग जो एरिया है वहाँ पर ये आपका हुआ था और इसमें 12 ब्लोआउट हुआ था, ठीक है।
सो दोस्तों आप देख लेते हैं मेजर्स के बारे में। मेजर्स मतलब कि आपके किन किन तरीके से जो आपके जो लोगों को जो हानि है डेंजर है उनको कम किया जा सकता है। ठीक है, सो फर्स्ट जो है आपका जो आपके इंडस्ट्रियल एरियाज के अराउंड जो आपके कुछ एक जो डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरियाज हैं उनको किया किया जा सकता है कि इनको जो आपकी जो लोकेशन है इनको मतलब इंडस्ट्रियल एरिया से काफी दूर जगह पर सेटअप किया जा सकता है ताकि जो लोगों को हानि हो वो उनको कम किया जा सके। ठीक है, और क्या किया जा सकता है, सेकंड जो पॉइंट है आपको जो इसके विसिनिटी में रहते हैं आपके इंडस्ट्रियल एरियाज के विसिनिटी में उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपके कौन कौन से हजार्डस सब्सटेंसेस है और उनसे आपके क्या कैसे जो इफेक्ट है वो हो सकते हैं। ठीक है, सो इन जो वहाँ पर लोग रहते हैं ताकि उनको मतलब इसका अप्रोप्रिएट मेजर्स ले सके। ठीक है, एंड थर्ड है आपका फायर वार्निंग एंड फायर फाइटिंग सिस्टम। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके किसी फैक्ट्री में आपका आग लग जाती है तो उससे बचने के लिए आपको फायर वार्निंग सिस्टम होना चाहिए प्लस फायर फाइटिंग सिस्टम भी होना चाहिए ताकि जो उस फायर को है या फिर उसको जो ट्रेजिडी को है उसको कम किया जा सके। ठीक है, और स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उनको भी लिमिटेड किया जाना चाहिए और जो आपके पॉल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटीज़ है उनको भी इम्प्रूव कर देना चाहिए आपके इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, फिर है आपके नेक्स्ट है वो है आपका इमर्जिंग इंडस्ट्रीज। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज आपके वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो आपके पहले तो नहीं थी बट आपके मतलब कुछ एक टाइम में इनका जो प्रचलन है या फिर ये कुछ एक टाइम में बढ़ती जा रही है या फिर इमर्ज हो रही है उनको कहा जाता है इमर्जिंग इंडस्ट्रीज एंड इनको सनराइज इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। एंड इसमें जो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल रहता है वो रहता है आपका इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो कि आपके विद द एडवांसमेंट ऑफ कंप्यूटर्स वगैरह इनकी वजह से आपका इनका जो मतलब इस जो इंडस्ट्री है इनका काफ़ी राइज हुआ है प्लस वेलनेस हो गया या फिर हॉस्पिटैलिटी हो गया नॉलेज सेक्टर हो गया ये सब आपके इमर्जिंग इंडस्ट्रीज हो गई या फिर सनराइज इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल है। सो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आपके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। सो अगर मैं बात बताऊं जैसे कि हमने किसी भी इंडस्ट्रियल सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, यह है एक इंडस्ट्रियल सिस्टम जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था, इनपुट आउटपुट, इनपुट की जगह यहाँ पर आउटपुट की जगह यहाँ पर प्रोसेस कर देंगे हम, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट मतलब कि कौन कौन से जो आपका सामान है वो उसमें लग रहा है टू प्रोड्यूस दैट आउटपुट। ठीक है, और कौन कौन से प्रोसेस से होकर ये गुजर रहा है। ठीक है, और आउटपुट। ठीक है, अब इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर जो आपका रॉ मटेरियल रहता है वो रहता है आपका आयरन ओर, दूसरा रहता है कोल, थर्ड रहता है आपका लाइमस्टोन। ठीक है, और लेबर रह गया कि मतलब कम फैक्ट्री में आपको काम करने के लिए कुछ एक लोग भी तो चाहिए होंगे तो उनको कहा जाता है लेबर। ठीक है, फिर आपके हो गए पावर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सो ये आपके इनपुट रहते हैं। प्रोसेस मतलब कि आपके प्रोसेस मतलब कि स्पेल्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या जो कि आपके ब्लास्ट फर्नेस में होती है। सो प्रोसेस होगी स्मेल्टिंग और फाइनल प्रोडक्ट रहेगा आपका स्टील रहेगा। ठीक है, सो स्मेल्टिंग आपकी वो प्रोसेस होती है जिसमें जो आपका ओर से आपका जो आपको प्रोडक्ट चाहिए होता है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सो स्मेल्टिंग वो प्रोसेस होती है जिससे आपका ओर से आपको जो आपको प्रोडक्ट चाहिए होता है उसको निकाला जाता है बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। और ये होती है इन ब्लास्ट फर्नेस में जो कि हम नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड आएगी उसमें डिस्कस करने वाले हैं ब्लास्ट फर्नेस को। सो हम लोकेशन देख लेते हैं कि आपकी हिस्ट्री ऑफ लोकेशन की मतलब जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की जो लोकेशन है वो किन किन फेज से गुजरी है। ठीक है, सो जैसे कि हमने पहले बात की थी कि आपके जो लोकेशन होती है लोकेशन के लिए आपके कुछ एक फैक्टर्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल हो गया, मार्केट हो गया, पावर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, लेबर हो गया, ये सब आपके फैक्टर होते हैं, ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, सो अगर हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मेजर फोकस ये रहता है कि आपके जो इंडस्ट्रीज है उन्हीं के पास हो जहाँ पर इनके रॉ मटेरियल के डिपॉजिट होंगे ताकि जो ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो खर्चा आएगा उसको कम किया जा सके। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल की बात करें
तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती थी ये सबसे पहले वहां पर होती थी जहां पर आपके आयरन जो ओर्स थे वहां पर आयरन डिपॉजिट्स होते थे, उसके अराउंड सराउंडिंग में होते थे कहीं यहीं पर, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो कम किया जा सके। फिर सेकंड में क्या हुआ, सेकंड जो फेज में, ये आपके अराउंड द कोल में, जहां पर आपके कोल फील्ड्स हैं वहां पर ये एस्टेब्लिश होने लगी। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आपके तीन प्रोडक्ट्स हैं मेजर यूज किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन हो गया, आयरन ओर हो गया और कोल हो गया। ठीक है, सो पहले फेज में आपके अराउंड आयरन डिपॉजिट्स के पास थी, नेक्स्ट फेज में आपके कोल और रेलवेज या फिर कैनाल्स के पास थी, ताकि रेलवेज और कनाल के पास इसलिए थी ताकि जो आपका जो कोल है वो आपका इजीली मतलब यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जा सके फ्रॉम कोल फील्ड्स टू मतलब जहां पर ये फैक्ट्री की लोकेशन है। ठीक है, और जो थर्ड फेज आया उसमें क्या हुआ कि ये अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज थी वो काफी बड़ी हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ये बड़ी हो गई तो इनके जो रिसोर्सेज थे, इन्होंने आयरन के जो रिसोर्सेज थे इनको भी मतलब एग्जॉस्ट करने लगे, फिर कोल के जो रिसोर्सेज थे इनको भी ये एग्जॉस्ट करने लगे। तो ये इन्होंने क्या किया है, जो इन्होंने जो अपनी जो लोकेशन थी वो पोर्ट्स के राउंड कर दी, ताकि जो ये जो आयरन ओर हो गया या फिर कोल है हो गया, इनको आपको दूसरी जगह से इनको इम्पोर्ट किया जा सके और इनको इम्पोर्ट करके मतलब फाइनल प्रोडक्ट है वो बनाया जा सके। सो ये पॉइंट हमने पहले डिस्कस कर लिया है, और ब्लास्ट फार्नेस में हमने बता दिया था कि यहाँ पर स्मेल्टिंग होती है। तो ठीक है, इसमें आपके तीन प्रोडक्ट होते मतलब तीन जो इनपुट होते हैं वो यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोल हो गया, आयरन ओर हो गया, लाइमस्टोन हो गया। एंड नेक्स्ट फीचर में हम इसका जो फिगर है वो देख लेंगे, ब्लास्ट फार्नेस। ब्लास्ट फर्नेस की बात कर लेते हैं हम। अगर मैं थोड़ा सा बेसिक सा दिखाऊं आपको, मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स आपके वो होते हैं जिनकी एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होती है। ठीक है, और मिनरल से लेकर बनी होती है रॉक्स। ठीक है, और जिन रॉक्स से आपको मतलब मिनरल्स निकाले जाते हैं उनको कहा जाता है ओर्स। ठीक है, तो आप देखो पहले आएंगे मिनरल्स, और मिनरल से मिलकर बनी होती है रॉक्स, और जिस रॉक से आपको निकाला जाता है उसको कहा जाता है ओर्स। ठीक है, जिस रॉक से मतलब मिनरल्स निकाले जाते हैं उसको कहा जाता है ओर्स। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। ठीक है, अब क्या किया जाता है, जो आयरन जो ओर है मतलब इसमें आयरन मिनरल होगा। ठीक है, और भी कुछ एक कंपोनेंट्स है वो भी हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो इनलेट है यहाँ पर, यहाँ से क्या किया जाता है, यहाँ पर आयरन ओर, कोक हो गया या फिर लाइमस्टोन हो गया, ये तीनों जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर मतलब डाले जाते हैं यहाँ से अंदर को। ठीक है, और इसमें जो प्रिंसिपल यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ केमिकल रिडक्शन, जिसमें आपके रिडक्शन की जाती है ऑक्साइड्स की और इनको कन्वर्ट किया जाता है टू इंटू एलिमेंटल आयरन में। अब देखो, ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ केमिकल रिडक्शन, इतना आपको समझ आ गया। ठीक है, जहां पर आपके कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कन्वर्ट करता है आयरन ऑक्साइड को इंटू एलिमेंटल आयरन में। ठीक है, सो देखो यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है, जहां पर क्या होता है, देखो ये यहाँ पर फार्मूला, अगर आपको नहीं क्लियर दिख रहा है तो मैं लिखा देता हूँ, 3Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमने बात की यहाँ पर। ठीक है, और ये है आयरन का ओर। ठीक है, सो ये रिएक्शन करके बनाते हैं 2Fe3, फिर O4 प्लस CO2। ठीक है, लास्ट में चल के, बाद में चल के ये क्या होता है, FeO प्लस CO, ये मिलकर बनते हैं Fe प्लस CO2। ठीक है, अब देखोगे आप इसको, जो आयरन को जब आपका हीट किया जाता है तो ठीक है, जब ये मेल्ट हो जाता है तो जो आयरन बचता है वो क्या करता है, वो नीचे आ जाता है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, यहाँ से आपका जो आयरन ओर है वो निकलता है। ठीक है, और ये स्लग वो स्टोनी सब्सटेंसेस होते हैं जो मतलब ओर के साथ चिपके होते हैं या फिर जुड़े होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपके जो रॉक्स होती हैं ये आपको डिफरेंट मिनरल से मिलकर बनी होती है, और इसमें कुछ एक सब्सटेंसेस अलग भी होते हैं। ठीक है, सो जो आपके स्टोनी सब्सटेंसेस रहते हैं वो ऊपर ही मतलब रह जाते हैं यहाँ से आपका जो स्लैग्स, यहाँ से इनको निकाला जाता है। ठीक है, जो आपके स्टोनी सब्सटेंसेस होते हैं, और जो हमारे को चाहिए होता है, जो आपका मोल्टन आयरन हमारे को चाहिए होता है वो हम इसके थ्रू यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, जो आपके
ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस में आपके जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। दोस्तों अब देख लेते हैं कि हमारे जो इंडिया में क्या क्या एडवांटेजेस रहती हैं फॉर प्रोड्यूसिंग आपके आयरन एंड स्टील। पहली बात तो यहाँ पर हमारे जो इंडिया में काफ़ी अच्छे रॉ मटेरियल्स मतलब आयरन के डिपॉजिट्स हैं, कोल के डिपॉजिट्स हैं, लाइमस्टोन के डिपॉजिट हैं, प्लस यहाँ पर चीप लेबर हैं, प्लस ट्रांसपोर्ट हो गया, मार्केट भी आपका इजीली अवेलेबल है यहाँ पर। और इसके मेजर जो प्रोड्यूसिंग सेंटर्स है वो है भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, रूरकेला, बोकारो, ठीक है। ये सब आपके, इन सब ये जो रीजन हो गए ये आपके मेजर प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं आपके इसके मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के, ठीक है। और ये जो आपके मेजरली पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जमशेदपुर प्लांट के बारे में। जमशेदपुर प्लांट जो कि है एट साक्ची जो कि है इन झारखंड, और ये साक्ची के बारे में खास बात ये है कि आपके ऑन ये फॉर्म है, इसकी जो लोकेशन है वो है अराउंड ऑन कॉन्फ्लुएंस ऑफ सुबर्णरेखा रिवर एंड खारकाई रिवर, ठीक है। और जो कि है मिलता है आपके इन झारखंड में, ठीक है। और लेटर लेटर ऑन इसको क्या किया है, इसको साक्ची को आपके नेम चेंज करके इसको कर दिया गया जमशेदपुर। और इसके जो एडवांटेज हैं वो हम नेक्स्ट पीरियड में देख, नेक्स्ट उसमें देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि साक्ची है जहाँ पर ये जो प्लांट है आपका टिस्को प्लांट, वो आपका एस्टेब्लिश हुआ है अराउंड 1907, ठीक है। साक्ची है आपका झारखंड में, ठीक है। और हमारे जो मेजर जो आपके कोल कोल फील्ड्स हो गए या फिर आयरन डिपॉजिट्स होते हैं वो आपके फैले गए हैं, फैले हुए हैं इन वेस्ट बंगाल हो गया, या फिर छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, इन सब, और उड़ीसा हो गया। इन सब जगह पर आपके जो मेजर आपके आयरन ओर हो गया या फिर कोल हो गया, ये आपके यहाँ पर इसके मेजर डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर इट वॉज क्लोज टू द आयरन ओर और कोल एंड मैंगनीज डिपॉजिट्स एज वेल एज टू कोलकाता। कोलकाता के भी क्लोज था, कोलकाता के क्लोज होने का कैसे मतलब इसका बेनिफिशियल हुआ मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि आपको पता है कि पहले जो आपका आपके दिल्ली से पहले जो हमारी जो कैपिटल थी वो थी आपके वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर आपके लार्ज मार्केट थे, तो इसकी वजह से भी इसको काफ़ी बेनिफिशियल हुआ। और इन्होंने कोल लिया फ्रॉम झारिया कोल फील्ड्स और आयरन ओर, लाइमस्टोन, डोलामाइट और मैंगनीज लिया इन्होंने फ्रॉम उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, और यहाँ पर खारकाई और सुवर्णरेखा रिवर से आपको काफ़ी मतलब सफिशेंट वाटर सप्लाई था वो इनको मिल रहा था। एंड अब हम देख लेते हैं आपके यूएसए में एक एरिया है जिसका नाम है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग जो आपकी फेमस है वो है फेमस फॉर द स्टील सिटी, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्टील की जो प्रोडक्शन है वो होती है, ठीक है। और इसकी जो मेजर एडवांटेज ये रहती है कि यहाँ पर जो कोल है वो आपका लोकली अवेलेबल है, ठीक है। एंड आयरन ओर लाते हैं ये फ्रॉम मिनेसोटा, और इसको शिप्ट किया जाता है थ्रू ग्रेट लेक्स वाटरवेज, ठीक है। ग्रेट लेक्स में जो आपको वाटरवे बना है उसके थ्रू ये मतलब शिप किया जाता है यहाँ पर पिट्सबर्ग एरिया में आयरन ओर, ठीक है। और ओहायो हो गया, ओहियो हो गया, मोनोकेला हो गया एंड एलेगेनी रिवर हो गई, ये प्रोवाइड करती हैं आपका एडिक्वेट वाटर सप्लाई टू दिस पिट्सबर्ग एरिया, ठीक। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपका जो रॉ मटेरियल रहता है वो रहता है आपका फाइबर, ठीक है। फाइबर अब आपका नेचुरल भी हो सकता है एंड मैन मेड भी हो सकता है। नेचुरल में आपके रहते हैं आपके जूट हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, वुल हो गया। वहीं पर आपके मैन मेड में रहते हैं आपके नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये सब आपके मैन मेड के एग्जाम्पल है, ठीक है। सो अगर हम देखें दोस्तों तो आपके कॉटन इंडस्ट्री की हम हिस्ट्री देखें तो क्या होता था, पहले जो कॉटन होता था वो प्रोड्यूस किया जाता था विद द हेल्प ऑफ हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स या फिर लूम्स। अगर आप नेशनल मूवमेंट में भी, अगर गांधी जी से भी आप, अगर आपने थोड़ा सा नॉलेज है इसके बारे में तो आपने देखा होगा कि गांधी जी भी चरखे की हेल्प से मतलब कॉटन बनाते थे या फिर कपड़े बनाते थे। और उन्होंने काफ़ी इनका जो मेजर फोकस रहता था वो रहता था आपका क्या आपकी मतलब इनके ऊपर, खादी के ऊपर इनका काफ़ी मतलब हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता था, अब देखो ये जो अगर आपके कोई जो आपके हैंड से बने की चीज़, उसमें आपको पहली बात तो काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है, प्लस टाइम कंज्यूमिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता था
ये जो प्रोडक्ट होता था काफी महंगा होता था और ये काफी गुड क्वालिटीज का होता था, बट ठीक है। और यही रीजन था आपका, जो इंडिया था वो सबसे पहले मतलब ओवर द वर्ल्ड आपका राज करता था इसकी वजह से, मतलब इसकी गुड क्वालिटी की वजह से। बट आफ्टर क्या हुआ कि जैसे ही आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और डेवलपमेंट ऑफ पावर लूम्स हुआ, तो इससे क्या हुआ कि आपका पहली बात तो मतलब प्रोडक्शन है वो काफी हाई लेवल पे हो सकती थी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसकी जो प्रोडक्शन है पहले तो हाई लेवल पर होगी, प्लस इसमें टाइम भी कम लग रहा है, ठीक है। और ये चीप चीप होता था, तो इसकी वजह से इनको जो जो हैंड से बनाई जाती थी इनको काफी मतलब वो पड़ा, मतलब इसको एक्सटेंट होने के मतलब कगार पे आ गया। क्योंकि आप महंगा कपड़ा थोड़ी ना खरीद महंगा, अगर आप कोई कपड़ा पहनोगे तो महंगा कपड़ा आप तभी पहनते हो जब आप किसी ओकेजन पे जाते हो, एंड अगर आपको रेगुलर यूज के लिए चाहिए तो आप क्या करते हो, आप कोशिश करते हो आपके मतलब इतना कॉस्टली कपड़ा ना हो। तो ये क्या हुआ कि इनका जो कपड़ा होता था काफी सस्ता होता था, तो इन्होंने क्या किया ये मतलब इसमें टेक्सटाइल की डिमांड में मतलब इसकी वजह से काफी बेनिफिशियल हुआ इनको, ठीक है। और इसमें सबसे पहले जो डेवलपमेंट मेजर जो डेवलपमेंट हुई वो हुई थे पहले ब्रिटेन में, फिर हुई आपके यूएसए में, फिर जापान में, फिर चाइना में। ये जो प्लेसेस हैं और इनके जो प्रोडक्ट है वो काफी फेमस थे आपके ओवर द ग्लोब फॉर देयर क्वालिटी एंड डिजाइन, जैसे कि आपका मुस्लिन्स ऑफ ढाका, चिंट्स ऑफ मुसलीपट्टनम एंड कैलिकेज ऑफ कलिकत, और गोल्ड रोट कॉटन ऑफ बुरहानपुर और सूरत एंड बड़ोदरा वर फेमस फॉर देयर डिजाइन एंड क्वालिटी, ठीक है। बट ये जो आपकी प्रोसेस थी, ये इनको बनाने की प्रोसेस थी, काफी टाइम कंज्यूमिंग होती थी और एक्सपेंसिव होती थी। और जो सबसे फर्स्ट जो टेक्सटाइल मिल थी वो आपके एस्टेब्लिश हुई थी, वो आपके हुई थी आपके फोर्ट गैलास्टर में, जो कि है आपका इन कोलकाता इन 1818 में आपके ये एस्टेब्लिश हुई थी। बट इनकी जो सबसे फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज टेक्सटाइल मिल थी वो थी एस्टेब्लिश हुई थी इन मुंबई इन 1854। और इसके पीछे जो मेजर रीजन रहता है आपका इंडिया में आपका जो मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होने का वो रहता है आपका यहाँ का जो क्लाइमेट है वो है आपका वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, और यहाँ पर पोर्ट है, पोर्ट की वैसे मुंबई में मतलब ये क्यों एस्टेब्लिश हुई, इसका मेन रीजन था आपका वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, प्लस पोर्ट भी है जहाँ से आपके जो मशीनरी होती है, जो आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो मशीनरी यूज की जाती है उसको पोर्ट इम्पोर्ट किया जा सकता था बाहर से, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि यहाँ पर आपके कॉटन प्रोड्यूसिंग बेल्ट भी है आपके अराउंड ये महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया यहाँ पर, सो एंड प्लस यहाँ पर स्किल लेबर भी है, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पर काफी रैपिड एक्सपेंशन हुआ इस इंडस्ट्री का। और इसके जो मेजर हब रहते हैं वो इंडिया में वो है आपके गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कानपुर हो गया, चेन्नई हो गया, अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, पानीपत हो गया, ये सब आपके इसके मेजर हब है। सो दोस्तों अब हम अहमदाबाद के बारे में देख लेते हैं। अहमदाबाद को आपका मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और यहाँ पर आपका इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है, प्लस यहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ गुजरात है, जिससे आपके जो मार्केट की जो डिमांड है वो मेट की जा सकती है। प्लस अगर आप देखोगे गुजरात से मतलब आपको दूसरे एरियाज, यूपी हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, या फिर महाराष्ट्र हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, इन सबको मतलब इनका जो प्रोडक्ट है वो इनको मतलब सेंड किया जा सकता है ताकि ये यूज कर सके, ठीक है। और यहाँ पर मतलब काफी स्किल और सेमी स्किल लेबर भी इजीली होता है, मार्केट भी आपका इजीली अवेलेबल है, प्लस पोर्ट है यहाँ पर, ताकि जो आपकी मशीनरी है उसको इम्पोर्ट किया जा सके बाहर से। सो दोस्तों अब हम एक ओसाका के बारे में देख लेते हैं, जो कि हमारी है, जिसको आपको कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ जापान। और इसके जो मेजर एडवांटेजेस रहती है वो रहती है आपके, पहली बात तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफी अच्छा है, जैसे कि वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है, जो कि आपके स्पिनिंग और वीविंग टेक्निक को लिए काफी यूजफुल रहता है, ठीक है। और रिवर योडो है, ये एफिशिएंट वाटर सप्लाई है प्रोवाइड कराती है फॉर मिल्स। और यहाँ पर लोकेशन ऑफ पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स की वजह से क्या होता है, इससे आपके जो रॉ मटेरियल है, पहली बात तो यहाँ पर अगर कॉटन मतलब नहीं हो रहा है तो ये क्या कर सकते हैं, रॉ कॉटन को क्या करते हैं, ये
एक्सपोर्ट कराते हैं, मतलब इंपोर्ट करवाते हैं, फिर इसको यहाँ पर प्रोसेस वगैरह करते हैं, फिर उससे जो मतलब क्लोथ वगैरह बनता है उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो पोर्ट्स का इससे बड़ा बेनिफिट रहता है। ठीक है, सो अगर हम बात करें कि आपके जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी प्रोसेसेस रहती हैं, फॉर एग्जांपल स्पिनिंग हो गया, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, स्पिनिंग हो गया, वीविंग हो गया और नीटिंग हो गया। ठीक है, अब स्पिनिंग में क्या होता है कि इसको क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये है एक कॉटन वूल, ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसको स्पिन किया जाता है और उसका ट्विस्ट किया जाता है, जिससे आपके फाइबर्स हैं निकाले जाते हैं, मतलब इस कॉटन वूल से, और इनको ट्विस्ट किया जाता है और इस तरीके से रस्सी जैसे, मतलब रस्सी भी नहीं, धागे जैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, और क्या किया जाता है बाद में चल के, इसको कहा जाता है स्पिनिंग, ये वाली जो यहाँ तक की जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है स्पिनिंग। ठीक है, अब वीविंग में क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं, अरेंज टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर, मतलब ये तो एक एक यार्न हुआ, ठीक है, अब दूसरा यार्न हो गया, इसको भी आपका अरेंज किया जाता है आपस में, जिससे आपका एक थ्रेड बनता है, जिसको इस प्रोसेस को कहा जाता है वीविंग। ठीक है, और लास्ट में रहती है आपकी नीटिंग, नीटिंग में आपका जो पूरा क्लोथ है वो बनाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ पीस ऑफ फैब्रिक यूजिंग अ सिंगल यार्न इज कॉल्ड एज नीटिंग। ठीक है, सो दोस्तों अब हम इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मतलब ये होता है कि ये आपके मेनली डील करता है आपका टू स्टोरेज, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, और अगर आपने देखा होगा कि कई बार हमारे जो न्यूज़ में भी आप कई बार देखते होंगे, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अगर हम इसमें बेसिक सा डिफरेंस देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो होती है जो आपकी हेल्प करती है मेनली स्टोरेज, प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, वहीं पर आपके कम्युनिकेशन आपके वो होता है जो आपके हेल्प करता है, जैसे कि आपको कम्युनिकेशन में पता है कि कम्युनिकेशन बेसिक से अगर देखें तो वो होता है जो आपके मतलब थॉट्स हैं वो आप दूसरे तक प्रोवाइड कर सको, उसको कहा जाता है आपका कम्युनिकेशन, और जो डिवाइसेज ये हेल्प करते हैं इस कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं उसको कहा जाता है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। सो अगर आप देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो काफ़ी बड़ा रोल हेल्प मतलब प्ले करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स जो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं, वहीं पर आपके जो कम्युनिकेशन में है आपके कंप्यूटर्स तो रोल प्ले करते ही हैं, प्लस उसमें आपके रेडियो हो गया, फैक्सेस हो गया, रेडियो के थ्रू आप अपने जो थॉट्स है वो अपने दूसरे लोगों को हैं वो मतलब पहुंचाते हैं, फैक्सेस के थ्रू हो गया, मोबाइल्स के थ्रू हो गया, टेलीफोन्स के थ्रू हो गया, और अदर जो डिवाइसेस हैं उसके थ्रू भी आप मतलब अपने जो कम्युनिकेशन है वो दूसरों को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, सो ये थोड़ा सा एक बेसिक सा डिफरेंस था आपका बिटवीन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो यहाँ पर मेजर रीजन क्या रहता है कि जो यहाँ पर आपकी काफ़ी आईटी इंडस्ट्रीज जो आपके बेंगलोर हैं वो यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड हैं। सो पहली बात यहाँ पर देखें, सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर रहता है वो यहाँ पर कि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, आईटी कॉलेजेस हैं, जो लोग मतलब जो स्टूडेंट्स को मतलब इसके बारे में थोड़ा सा मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं इस चीज़ के बारे में। ठीक है, प्लस यहाँ पर जो आपका डस्ट फ्री हो गया, विद लो रेंट्स एंड लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पर है बेंगलोर में, जिसकी वजह से मेन रीजन रहता है ये आपके बेंगलोर में आपका इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होने का, इस इंडस्ट्री का, आईटी इंडस्ट्री का, और यहाँ पर काफ़ी स्किल्ड स्किल्ड वर्कफोर्स है जिनको थोड़ा सा नॉलेज होती है इसके बारे में, मतलब आईटी इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, और इसका जो मेजर बूस्ट वो उसकी वजह से भी हुआ है जो कर्नाटका में, यहाँ पर आपके कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्टेट आईटी पॉलिसी निकाली थी यहाँ पर इन 2002 में, जिसकी वजह से काफ़ी बेनिफिशियल रहा यहाँ पर बेंगलोर में आपके जो आईटी इंडस्ट्री है वो एस्टेब्लिश होने में या फिर ग्रोथ होने में। ठीक है, तो देख सकते हो आप बेंगलोर में पहली बात यहाँ पर आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और आईटी कॉलेजेस हैं जो क्या करेंगे आपके स्टूडेंट्स हो गए या फिर लोगों को मतलब थोड़ा सा मतलब इसके बारे में एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, ताकि जो आपके जो लेबर होगी वो आपकी स्किलफुल होगी। ठीक है, उसको इनके बारे में नॉलेज होगी, प्लस यहाँ पर जो आपके रहने की जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम है,
लो रेंट्स हैं यहाँ पर, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, प्लस गवर्नमेंट ने यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट आया था, और गवर्नमेंट स्टेट ने अपनी आईटी पॉलिसी निकाली थी इन 2002 में, और स्किल्ड वर्कफोर्स तो मैंने पहले ही बता दिया। देख लेते हैं कि क्या एडवांटेजेस रहती हैं आपके सिलिकॉन वैली या फिर कैलिफोर्निया की। सो अगर हम बात करें मैप के बारे में बात करें, सो ये कुछ इस तरीके से, मैं इसको रख लेता हूँ। सो ये कुछ इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका का जो मैप है वो इस तरीके से, यहाँ पर जैसे आपका कैलिफोर्निया है, ठीक है, यहाँ पर है कैलिफोर्निया, और इसके जो मेजर एडवांटेज रहती है वो रहती है यहाँ पर, आपके मेजर साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स हैं यहाँ पर इसके सराउंडिंग के आसपास में, ठीक है। और इसके इसका जो मेन रीज़न ये रहता है कि आपके साइंस की फील्ड में अगर कोई आपके इनोवेशन या फिर डेवलपमेंट होती है, या फिर टेक्नोलॉजी की फील्ड में आपकी कुछ डेवलपमेंट होती है, तो इसको मतलब आईटी इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे से मतलब इसको अडेप्ट किया जा सकता है, ठीक है। प्लस यहाँ पर आपके काफ़ी प्लेजेंट क्लाइमेट है, प्लस आप देख सकते हो यहाँ पर ये पोर्ट्स के काफ़ी करीब है, तो पोर्ट्स से क्लोज टू मेजर रोड्स एंड पोर्ट्स, ठीक है। और यहाँ के जो वर्कफोर्स है वो भी काफ़ी स्किल्ड है, प्लस मार्केट की बात करें कि यहाँ पर काफ़ी मतलब इजीली अवेलेबल मार्केट है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड।